कुछ लोग शार्क को पकड़ के उसको पैरालाइज कर देते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। आइए जानते हैं आखिर ये होता कैसे है। इसके लिए सबसे पहले एक शार्क को पकड़ा जाता है और फिर उसके मुंह को सहलाते हुए उसे धीरे से उल्टा किया जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शार्क को गुस्सा ना आए, नहीं तो शार्क उसको वही निपटा देगा। और जब शार्क उल्टा हो जाए तो वो समझ जाते हैं कि काम हो चुका है, क्योंकि इसे टॉनिक इमोबिलिटी कहते हैं, जिसमें कि शार्क की बॉडी करीब 15 मिनट के लिए पैरालाइज हो जाती है।